हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन को फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएससी ट्यूटर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल जिसका नाम है TCP/IP। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर हम लोगों ने FTP को डिस्क्राइब किया था, मैंने उसका लिंक भी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर शेयर कर रखा है, तो यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट राइट नाउ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज TCP/IP? बेसिकली TCP/IP इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन वेब सर्विसेज। तो हाउ इट वर्क्स, व्हाट डज एक्चुअली इट यू नो गोज विद इंटरनेट, तो वी विल लर्न इट टुडे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका नाम है TCP/IP और मेनली यहाँ पर दो प्रोटोकॉल साथ वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है दैट इज TCP/IP एंड सेकंड जो प्रोटोकॉल है दैट इज IP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बेसिकली जो हम डेटा अपना अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा TCP राइट। नाउ IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कुछ हमारी बैकएंड में भी सर्विसेज चल रही होती हैं जिसको वर्कआउट करता है IP, तो टुगेदर इट फॉर्म्स योर प्रोटोकॉल दैट इज TCP/IP। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये सब चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। देखिए हमारे पास लेट सपोज एक डिवाइस है जिसको मैंने नाम दे दिया 1, एक दूसरी डिवाइस है जिसको मैंने नाम दे दिया 2। ठीक है, अगर हम फर्स्ट डिवाइस से सेकंड डिवाइस पे कोई डेटा भेजना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो डेटा है इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट रो। अगर मैंने यहाँ से डेटा भेजा तो सीधे वो इस वाले डिवाइस तक पहुंच जाएगा, है ना, सही बोल रही हूँ ना? बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि हम अपना जो डेटा भेजते हैं ये हमारा कैसे ट्रेवल करता है। देखिए दोस्तों, जब हमारा कोई भी डेटा हम लोग सेंड करते हैं वो डेटा बेसिकली सिंगल नहीं जाता, तो हम उसको मेनली डिवाइड करते हैं इनटू सम पार्ट्स। लेट सपोज मैंने यहाँ पे उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज डेटा फ्रेम्स। इनको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम्स। तो आपका जो डेटा है वो डेटा फ्रेम्स में डिवाइड होके वर्कआउट करता है। हाँ, अब देखिए इस डेटा फ्रेम के अंदर हम लेट सपोज ये आपके हमने 4 डेटा फ्रेम्स बना दिए, इनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है लाइक योर कंट्रोल इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं हेड और टेल। तो ये तो आपकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट और होता है दैट इज डेटा जो आपने डिवाइड किया है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक आपका पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम नंबर। लेट सपोज मैंने इसका फ्रेम नंबर दे दिया 0, ठीक है। ऐसे ही आपके हर फ्रेम के अंदर कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, हेड होगा, डेटा होगा, टेल होगा और इसके अलावा फ्रेम नंबर होगा। लेट सपोज आई हैव गिवन द नंबर एज 1, आई हैव गिवन द नंबर एज 2 टू दिस एंड 3 टू दिस। नाउ जब हमने ये डेटा भेजा एक डिवाइस से, लेट सपोज इट इज माय डिवाइस, मैंने यहाँ से डेटा जब भेजा तो ये जो डेटा है इट इज स्प्लिटेड इन सम डेटा फ्रेम्स। और ये डेटा फ्रेम्स का जो डेटा है ये डेटा फ्रेम्स फ्लो करते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। और जब ये नेटवर्क के ऊपर फ्लो कर रहे होते हैं, जैसे ये मैंने आपके 4 फ्रेम्स हैं जो डिलीवर करने के लिए आगे भेज दिए, ठीक है ना, तो जब ये डेटा आगे चला गया और आपके सेकंड डिवाइस के पास पहुंचा, ठीक है, तो सेकंड डिवाइस देखेगा, जब आपके पास सेकंड डिवाइस गया हुआ तो देखेगा कि वेदर इट रिसीव ऑल द डेटा फ्रेम्स और नॉट बाय दीज नंबर 0, 1, 2 एंड 3। अगर लेट सपोज इसके पास 0 डेटा फ्रेम पहुंच गया, इसके पास 1 डेटा फ्रेम पहुंच गया, इसके 3rd डेटा फ्रेम पहुंच गया, क्योंकि फ्रेम्स में डिवाइडेड है ना, तो हो सकता है आगे पीछे आए, ठीक है। मगर अगर लेट सपोज सेकेंड फ्रेम नहीं आया तो इट कैन आस्क द फर्स्ट मशीन कि भाई मेरे को रीसेंड करो, तो इट विल सेंड द डेटा फ्रेम वंस अगेन एंड जब वो सेकेंड फ्रेम दोबारा भेजेगा तो इट विल रिसीव द सेकेंड फ्रेम एज वेल। और यहाँ पर ये जो डेटा फ्रेम्स हैं आपस में क्लब होंगे और यू विल गेट दैट डेटा ऑन दिस डिवाइस। तो बेसिकली ऑल दीज इंटरनल वर्क
is done by your TCP/IP protocol. मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइंड करती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो. देखो, हमने फर्स्ट डिवाइस से आपको डेटा भेजा, तो डेटा जो हमारा डिवाइड हुआ इन सम डेटा फ्रेम्स, हमने उन डेटा फ्रेम्स के अंदर हेड और टेल इन्फॉर्मेशन डाली. ये बेसिकली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है. इसके अलावा यहाँ डेटा भी होता है, ये हर में आपको मिलेगा. ये जो आपने डेटा डिवाइड किया है, ये डेटा फ्रेम, इनको डिवाइड जो किया है इसको हम डेटा फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है. और आपकी नंबरिंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फ्रेम नंबर है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डेटा फ्रेम्स. ये आगे नेटवर्क पर ट्रेवल करता है और जब हमारे डिवाइस से पहुंचता है तो डिवाइस, दूसरा डिवाइस चेक करता है कि वेदर इट रिसीव्ड ऑल द डेटा फ्रेम्स और नॉट. और अगर नहीं कर पहुंचा है, कोई मिस हो गया ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट, तो इट कैन आस्क कि भाई मुझे दोबारा से वो डेटा फ्रेम ट्रांसमिट कर दो. वो दोबारा से डेटा फ्रेम ट्रांसमिट कर देता है और इसको जो डेटा फ्रेम चाहिए अगर वो इसे मिल जाता है, तो आफ्टर देन सी ऑल द डेटा फ्रेम्स आर नाउ रिसीव्ड, 1, 2, 3 एंड इवन 0. ऑल द डेटा फ्रेम्स हैव बीन रिसीव्ड एंड नाउ इट विल बी क्लब बैक. एंड क्लब करने के बाद यू विल, दिस पर्टिकुलर मशीन गेट्स दैट डेटा एंड इट कैन, इट इज डन बाय योर TCP/IP प्रोटोकॉल. तो आई बिलीव ये टॉपिक आपको समझ आई होगी इंटरनल वर्किंग क्या है. मैं आपको एक इमेज और दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा. एक मिनट लीजिएगा मुझे. देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी यही हो रहा है. सेंडर आपका डेटा भेज रहा है और रिसीवर हमारा डेटा रिसीव कर रहा है. हमारा जो डेटा है वो हमने देखिए ब्रेक किया, जिन्होंने उन्होंने राउटर्स बोल दिया. एक्चुअली राउटर एक डिवाइस होती है, डेटा फ्रेम्स नहीं होते. राउटर एक डिवाइस होती है जो कि डेटा को आगे पास ऑन करने के लिए हेल्प करते हैं. हम यहाँ पर डेटा फ्रेम्स भेजते हैं, तो पहला डेटा फ्रेम यहाँ जाएगा, दूसरा भी यही जाएगा, फिर आगे वो ट्रांसमिट होगा और डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स के हेल्प से इट विल राउट दैट डेटा फ्रेम्स और यहाँ पे वो रिसिपिएंट्स के पास पहुंचता है. तो देखिए ये लिखा है, TCP प्रोटोकॉल ब्रेक्स डेटा इनटू पैकेट्स. पैकेट्स इज नथिंग, दैट इज डेटा फ्रेम्स. इसके अलावा फिर वो पैकेट ट्रेवल करते हैं फ्रॉम राउटर टू राउटर ओवर इंटरनेट. और देखिए यहाँ पर लास्ट में रीअसेंबल करता है आपका TCP प्रोटोकॉल और उसके बाद ओरिजिनल आपका डेटा इसके पास पहुंच जाता है. तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि हम TCP/IP कैसे वर्कआउट करता है, इंटरनली क्या क्या चीजें हमारे रहस्यमय तरीके से काम कर रही हैं, और हमारे और अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और भी रह रहे हैं, वो कैसे वर्कआउट करेंगे इसके बारे में भी हम बहुत ही जल्दी जानेंगे, ठीक है. हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.